हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक और स्किन वाइटनिंग के लिए फेस पैक का टिप शेयर करने जा रही हूँ। तो गाइस, पहले भी हमने जो है एक दो वीडियो आपके साथ स्किन वाइटनिंग का शेयर किया हुआ है, एंड ये स्किन वाइटनिंग का आपका थर्ड वीडियो है। तो गाइस, चलिए आपको बताते हैं आपको ये फेस पैक कैसे तैयार करना है और इसमें कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स हमने यूज़ किए हुए हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, चलिए आपको बताते हैं कि हमने कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स इसमें यूज किए हुए हैं एंड इसे आपको कैसे रेडी करना है। तो गाइस, ये है मिल्क पाउडर, लेमन जूस एंड हनी शहद, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इस फेस पैक को बनाने में तीन चीज़ों का यूज़ हुआ है और इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें जो चीज़ें यूज हुई हैं उसमें आपको पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके किचन में आसानी से मिल जाती हैं। तो खाने के साथ साथ आप कैसे अपने घर की चीज़ों से, किचन की चीज़ों से अपनी ब्यूटी को निखार सकती हैं, ये टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस, हमारे आसपास हमारे किचन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे ब्यूटी में यूज़ आती हैं, उनका यूज़ करके कैसे हम अपनी ब्यूटी को निखार सकते हैं, कैसे अपने फेस पे नेचुरल ग्लो ला सकते हैं। मार्केट की तो बहुत महंगी महंगी चीज़ों का यूज़ हम करते हैं, बट जो है वो रिज़ल्ट तो हमें तुरंत देते हैं, बट कुछ टाइम के बाद वो फिर अपना इफेक्ट छोड़ देते हैं। बट ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, इनका यूज़ करके आप एक नेचुरल ग्लो पा सकती हैं, नेचुरल स्किन वाइटनिंग पा सकती हैं, और आपके दाग धब्बे, जो भी आपकी फेस की प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर हो जाएंगी। और आपका मेन इसका ये है कि आपको कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, कोई भी हार्मफुल केमिकल इसमें नहीं होता है, ये सब एक नेचुरल चीज़ें होती हैं। तो आपको ये टेंशन के लिए लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम मार्केट की चीज़ों का यूज़ करते हैं तो हमें टेंशन होती है क्या ये हमारे फेस पे सूट करेंगी या नहीं करेंगी, इस ये टेंशन हमको होती है, हमको बहुत ही सोच समझ के चीज़ों का यूज़ करना होता है। बट इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि किसी को लेमन जूस किसी के फेस पे नहीं सूट करता है, किसी के फेस पे हल्दी सूट नहीं करती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो है हमें थोड़ी सावधानी में बरतनी चाहिए, बट उनका इतना हार्म नहीं होगा कि आपका फेस ख़राब हो जाए, आपके फेस लाल हो जाए, आपका फेस बर्न हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट थोड़ा जैसे कि किसी को लेमन सूट नहीं करता है तो उनके फेस पे थोड़ी इचिंग होती है, यही सब होता है, बट इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपको रिज़ल्ट बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको देखने को मिलते हैं, बट वन यूज़ में रिज़ल्ट तो नहीं दिखेंगे, आपको इसे लगातार यूज़ करना होगा। और जैसे ही आप कुछ दिनों तक इसका यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बहुत ही अच्छा लगेगा, और आप रेगुलर इसको यूज़ करना चाहेंगी क्योंकि आपको रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा मिलेगा इसका। इसलिए गाइस, आपको बताते हैं आपको ये फेस पैक कैसे रेडी करना है। तो गाइस, ये देखिए, ये है लेमन जूस, एंड इसमें हम थोड़ा सा, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हम बना रहे हैं, हमने थोड़ा सा मिल्क पाउडर लिया और थोड़ा सा इसमें लेमन जूस। लेमन जूस अगर आपकी स्किन ऑयली है तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको लेमन जूस बहुत कम मात्रा में रखना है, एंड थोड़ी सी हनी। हम इन सबको मिक्स करके देखिए बहुत ही, हम यहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको फेस पैक रेडी करके बता रहे हैं। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, आपको जहाँ तक यूज़ करना है, आपको फेस से लेके गर्दन तक यूज़ करना है तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रख सकती हैं, क्योंकि हमें जो है आपको हाथ पे ही डेमो करके दिखाना है, इसलिए हम इसकी क्वांटिटी बहुत कम रख रहे हैं। ये देखिए, ये रेडी हो गया है, ये गाढ़ा पेस्ट। अब इसको आप, जैसे कि मैं अपने हैंड पे इसको अप्लाई करने जा रही हूँ, बट आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है, मैं फेस पे अप्लाई करके आपको नहीं दिखा रही हूँ। चलिए देखिए, आपको इस तरीके से
इस तरीके से आपको अपने, ये देखिए, फेस से लेके गर्दन तक आपको इसे अच्छी तरीके से ऐसे अप्लाई करना है। देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है और बहुत ठंडक आपको इससे मिलेगी। आपको इससे 15 से 20 मिनट रखना है जब तक कि ये सूख ना जाए। सूखने के बाद आप जो है सादे पानी से इसको धुल लीजिए। तो गाइस इसको हमने रिमूव कर दिया है अपने हैंड से, एंड आप इसको ट्राई कीजिए। एंड ट्राई करेंगी तो आपको रिज़ल्ट खुद ही समझ में आएगा, खुद ही आपको रिज़ल्ट दिखेगा, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी स्किन प्रॉब्लम्स हमसे शेयर कीजिए ताकि हम उससे रिलेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकें। आपके स्किन पर अगर स्पॉट्स हैं या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है तो वो हमसे शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ जो है कैसे वीडियो शेयर करनी है वो हम आसानी से कर सकें। तो प्लीज़ गाइज आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर कीजिए एंड उससे रिलेटेड वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे।